कार्बी आंगलोंग में फिरौती की रकम वसूलने आए एक अपहरणकर्ता को पुलिस ने मार गिराया है। डकमका में तड़के पुलिस और अपहरणकर्ता के बीच भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें मौके पर ही वो ढेर हो गया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक पिस्तौल और 48 राउंड जीवित गोलियां बरामद की है। अपहरणकर्ता ने एक पत्थर के खदान से स्काईलाइट नामक कंपनी के अशोक यादव नामक कर्मचारी का अपहरण किया था और उसे रिहा करने के नाम पर कई लाख रुपयों की मांग रखी थी। सुबह सुबह जब वो फिरौती की रकम वसूलने पहुंचा तो पहले से ही वहां घाट लगाए बैठी पुलिस की टीम के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई और इस दौरान मौके पर ही वो मारा गया। एक अपहरणकर्ता की मौत की खबर है। कार्बी आंगलोंग से फिरौती की रकम जब वसूलने आया एक अपहरणकर्ता तो पुलिस ने उसे मार गिराया है। जी हाँ, डकमका में तड़के पुलिस और अपहरणकर्ता के बीच भीषण गोलीबारी हुई और इसी दौरान मौके पर ही अपहरणकर्ता ढेर हो गया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक पिस्तौल और 48 राउंड जीवित गोलियां भी बरामद की है। आपको बता दें कि अपहरणकर्ता ने एक पत्थर के खदान से स्काईलाइट नामक कंपनी के अशोक यादव नामक कर्मचारी का अपहरण किया था और उसे रिहा करने के नाम पर कई लाख रुपयों की मांग भी रखी थी। आज सुबह जब वो फिरौती की रकम वसूलने पहुंचा तो वहां पहले से ही पुलिस खाट लगाए बैठी थी और पुलिस की टीम के साथ उसकी मुठभेड़ हो गई और इसी दौरान वो अपहरणकर्ता मारा गया। स्काईलाइट कंपनी स्टोन क्वारीर पुरा एजन तेहनुकर मेकानिकर किडनैप करिसिले किसुमान दुबित्रय तो दुबित्रय किडनैप करार पिसो तेहनुकर पुरा एक्सट्रशन मानी डिमांड आहिले तो आमी गम पालो जे आजि तेहनुके एटा डीलिंग करिवो मानुजनक एरिबो आरो पैसा रिसिभ करिवो সেইমতে আমি অপারেশন প্ল্যান করলো। অপারেশন প্ল্যান করে আমার অপারেশন গ্রুপ চারিটামান আসে পয়সাটা রিসিভ করব সময়তে আমার পুলিশের এনকাউন্টার হয়। এনকাউন্টারত এজন ঢুকায় কিন্তু আমি সৌভাগ্যক্রমে আমি ভিক্টিমকো রিকভার করব পারিল। আর্মস রিকভারি পিস্তল এটা পয়া গেছে যিজন দুর্বৃত্ত ঢুকাইছে তখন আর এমুনেশনও পাইছো আমি 48 রাউন্ড।